फ्रेंड्स, सीजाई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं अपने नए मोबाइल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेक्चर के साथ। आज हम आप लोगों को सीजाई टीम आज आपको टेक्नो कंपनी के किसी मोबाइल में कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी देगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि टेक्नो के जो भी मोबाइल हैं वो सिक्योर बूट हैं, और यदि उसमें FRP लगी होती है तो जल्दी जितने भी बॉक्सेस आजकल आ रहे हैं, डोंगल आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी इसको सपोर्ट नहीं करते, और इस कारण इसका FRP तोड़ना थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए यदि आप टेक्नो मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना सीख लेते हैं तो आप उसके किसी भी लॉक को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। इसका टूल थोड़ा सा अलग है, इसमें ज़्यादातर MTK CPU आ रहा है, लेकिन इसका टूल SP टूल से एकदम डिफरेंट है। तो उस टूल को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इस सब की कम डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CGI मोबाइल कंप्यूटर गैलेक्सी इंस्टीट्यूट को अब CGI मोबाइल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारा चैनल भी इसी नाम से CGI नाम से हो गया है। आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारा ऑनलाइन MMC का प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के कोर्स में हम लोग आपको 6 TB डेटा, वीडियोज़ और इसके साथ में फुल ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी टीम के साथ जुड़ के देखिए, CGI टीम के साथ जुड़ के देखिए, आप यकीन मानिए आपका काम नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इसके अलावा MMC का काम सीख कर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, वॉइस सॉफ्टवेयर का काम सीख कर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, यदि आप इसको एक स्ट्रेटजी के साथ चालू करें तो, क्योंकि आज की डेट में हर काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए थोड़े बहुत सेटअप कर लेंगे, लेकिन 100% रिजल्ट आप बिना मेहनत के नहीं दे पाएंगे, ऐसा CGI टीम का मानना है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त कि यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे CGI टीम, CGI मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग टेक्नो मोबाइल में कैसे फ्लैशिंग होती है। इसका कारण मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि टेक्नो के मोबाइल सिक्योर बूट आते हैं, और सिक्योर बूट हैंडसेट में FRP लॉक खोलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि पैटर्न लॉक तो बटन के कॉम्बिनेशन से खुल जाता है, लेकिन FRP लॉक जल्दी नहीं खुलता है। तो यदि आप टेक्नो मोबाइल की फ्लैशिंग सीख लेते हैं तो बात बहुत ही आसानी से टेक्नो मोबाइल में लगने वाले किसी भी लॉक को तोड़ सकते हैं, और आज शीट में टेक्नो के मोबाइल काफ़ी हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको जो फ्लैश, मैंने एक टेक्नो की लेटेस्ट मोबाइल KB2 सेट की फ्लैशिंग की है, जिसका वीडियो मैंने प्रैक्टिकल अटैच किया है। आपको मालूम है कि हम लोग पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको जो है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिस भी मोबाइल में आपको समझा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग का डेटा जो 6 TB आपको दे रहे हैं उसका ये एक झलक है, जिसमें देखिए आपको कंप्लीट सारी फाइलें क्रम से सजी नज़र आ रही हैं। इसमें जो चीज़ जहाँ चाहिए, अगर क्वेश्चन फाइल किसी भी आपको चाहिए तो आपको क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये सब कलेक्शन बहुत यूनिक है। अगर आपको किसी सेट की DA फाइल चाहिए तो आपको उस फोल्डर के अंदर मिलेगी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जैसे लावा Z50 के लिए जो टूल दिया हुआ है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वीडियो भी दिया हुआ है, ये देखिए कैसे आपको इसको फ्लैश करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लावा Z60 करते हैं, Z60 में ये DA फाइल है, देखिए साथ में दी हुई है, इसको आपको SP टूल में सेलेक्ट करना है, और फाइल ये वाली जो है, ज़्यादातर फाइल Z60 15, ये सब मेरी टेस्टेड फाइलें हैं जो मैं अपने शॉप पर करता हूँ, उसको मैंने इसमें सजा कर रखा है आपके लिए तश्तरी में, जिसको आप आसानी से रसगुल्ला समझकर हजम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा डाटा है जो आपके काम को बहुत आगे बढ़ा सकता है, और ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसा सपोर्ट, ऐसा यूनिक डेटा आपको सॉफ्टवेयर
के प्रोग्राम में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का फीस भी बहुत कम है। यदि आप एक बार हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी शॉप से कोई भी हैंडसेट लौटेगा नहीं, इस बात की कंप्यूटर गैलेक्सी टीम गारंटी देती है। तो चलिए हम लोग को टेक्नो का हैंडसेट करना है तो हम लोग टेक्नो का फोल्डर खोल लेते हैं। इसमें मैंने ये KV2 सेट फ्लैश किया है, ये देखिए KV2 सेट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि टेक्नो का फ्लैश टूल जो है कैसे आपको लेना है। टेक्नो का आप कोई भी फ्लैश टूल लोड कर लीजिए, ये देखिए इस टूल को जब आप खोलेंगे, देखिए मैं मेरे पास फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं, मैं फाइल भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ KV2 सेट की, क्योंकि यही सेट मैं आपको फ्लैश करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टूल खुल गया है टेक्नो का, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ फाइल भी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब तक आपको थोड़ी सी टूल की जानकारी दे दूँगा। इसमें दो वर्जन 146 155 है, मैं लेटेस्ट वर्जन फ्लैश कर मैं 146 वर्जन ले ले रहा हूँ। कोई भी आप वर्जन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हैंडसेट ऑन नहीं होता किसी कारणवश तो आपको अपर वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। इस फाइल को कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बताऊँगा। देखिए कोई भी फाइल आप डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करिए ताकि आपकी हार्ड डिस्क में डेटा ज़्यादा फुल ना हो, ठीक है। ये देखिए ये इसका जो है फाइल है, इसको मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, देखिएगा एक्सट्रैक्ट टू पे आइए। डेस्कटॉप पे हमेशा एक फोल्डर न्यू फोल्डर बना लीजिए, इसमें एक न्यू फोल्डर बना के ओके करिए तो ये फाइल आपकी बिना कॉपी के डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप आसानी से काम कर सकेंगे। तो देखिए अब ये मैंने टूल आपके सामने खोल रखा है, इसमें ये सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग में यहाँ पर आपको फाइल लोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल लोड पर क्लिक करना है और जहाँ पे आपने फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो पाथ आपको दे देना है। देखिए मैंने फाइल डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 2 में एक्सट्रैक्ट की है और मैं पाथ देने जा रहा हूँ। दोस्तों जब फाइल एक्सट्रैक्ट होती है तो सिस्टम की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि इसमें रैम का ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से सिस्टम स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इसलिए जब फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आप बाकी काम करिए ताकि आपका PC या लैपटॉप जो भी है ठीक से चले। देखिए मैं डेस्कटॉप ओपन करने जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा भी सिस्टम इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि अभी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। डेस्कटॉप पे देखिए न्यू फोल्डर 2 है, न्यू फोल्डर 2 में KV2 मॉडल मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए ये 6761 CPU है, एंड्रॉयड स्केटर जो है 6761 CPU है। यहाँ पे देखिए अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसको एक्सट्रैक्ट हो जाने दीजिए। तो दोस्तों आप टेक्नो के मोबाइल में फ्लैशिंग सीखकर उसे किसी भी लॉक को आसानी से हटा सकते हैं। टेक्नो की फ्लैशिंग सीखनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टेक्नो के मोबाइल सिक्योर बूट हैंडसेट हैं और सिक्योर बूट हैंडसेट का आजकल कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। यदि आपको DA फाइल, अर्थ फाइल, प्रीलोडर फाइल सबकी जानकारी कंप्लीट नहीं है तो आप इन सेटों को ईजिली हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। कंप्यूटर गैलेक्सी टीम के लेक्चर्स आप देखिए इंस्टीट्यूट में आकर तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल के लेक्चर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये फाइल एक्सेप्ट हो गई है, अब मैं यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो गया, अब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। कन्फर्म करें फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों अभी यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब आप इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन प्ले बटन है तो यहाँ पे वो फाइल का वेरिफिकेशन करेगा। देखिए वाइफ फाइल का वेरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए फाइल का वेरिफिकेशन जो है इसका टूल करता है, उसके बाद आपके सेट की फ्लैशिंग स्टार्ट होती है। इसमें 1-2-3 मिनट जो भी लगते हैं उसको होने दीजिए। तब तक मैं बता दूं दोस्तों CGI टीम से जुड़िए और उसके लाइफ टाइम सपोर्ट के बारे में जब आप और लोग स्टूडेंट से पूछिए। दोस्तों देखिए ये जो है क्या कहते हैं टूल में फाइल सेलेक्ट हो चुकी है, अब आपको करना क्या है, बिना कोई बटन दबाए आपको सेट USB केबल में लगाना है और आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये तो था हम लोग का पहला पार्ट जिसमें हमने आपको समझाया है। चलिए हम अब आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे टेक्नो के KV2 लेटेस्ट मॉडल की फ्लैशिंग टेक्नो टूल द्वारा करेंगे और इसके बाद उसमें कोई भी लॉक होगा वो हट जाएगा। दोस्तों ये सेट मेरे पास एक शॉपकीपर डेड कंडीशन में लाया था, उसने ट्राई किया था लेकिन उससे फ्लैश नहीं हो रहा था, तब मैंने उसको ये हैंडसेट फ्लैश करके दिया था। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। चलिए अब हम देखते हैं टेक्नो मोबाइल KV2 में कैसे फ्लैशिंग करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्नो का फोल्डर खोल के उसके टूल को इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। फाइल को हम लोग डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ। इसके बाद इसके टूल को ओपन करके उसमें फाइल सेलेक्ट करेंगे,
सबसे पहले हम लोग जो है ये देखिए, ये फाइल जो है मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है, इसमें MTK CPU लगा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग इसका टूल ओपन करने वाले हैं। ये मेरे 6 TB डाटा में से 4 TB डाटा है जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं सॉफ्टवेयर में। ये देखिए टेक्नो का जो है टूल यहाँ ओपन कर रहे हैं। टेक्नो का टूल जब हम लोग ओपन करते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग को फाइल स्कैटर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि MTK में स्कैटर फाइल यूज़ होती है। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए फाइल सेलेक्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको सब कुछ दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके बाद आपको कन्फर्म करना है, यहाँ पर फाइल सेलेक्ट हो। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल टूल वेरीफाई करता है। ये देखिए जब टूल फाइल को वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद फ्लैशिंग के लिए सेट तैयार हो जाता है। आपको इसमें कोई भी बटन नहीं दबाना है, क्योंकि इसमें कोई भी बूट बटन नहीं है। केवल आपको USB केबल लगा देनी है, क्योंकि अर्थ फाइल और या DA फाइल जो भी है वो इसमें प्रॉपर सेलेक्टेड है ऑलरेडी टूल में। ठीक है, तो अब बस आप जैसे ही USB केबल, देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ, जैसे मैं USB केबल लगाऊँगा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक लाइन, ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये नीली लाइन चलती रहेगी और इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टेक्नो के किसी भी मॉडल की फ्लैशिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योर बूट हैंडसेट है। आजकल इसके फैक्ट्री लॉक तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो यदि आप टेक्नो के हैंडसेट की फ्लैशिंग सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसके किसी इसमें किसी भी लॉक को तो ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जो भी प्रोसेस आपको बताते हैं वो एक सेट के लिए ना होकर जनरल सब सेटों के लिए होती है। यदि मैं टेक्नो का एक KV2 लेटेस्ट मॉडल की फ्लैशिंग आपको दिखा रहा हूँ तो ये उस सेट के लिए नहीं है। ये जनरली आप इससे टेक्नो का किसी भी मॉडल को फ्लैश, MTK किसी भी मॉडल को फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जितने भी टेक्नो के सेट आए हैं वो सब MTK सेट आए हैं और वो बहुत प्रॉपर फ्लैश होते हैं यदि आप इस टूल को प्रॉपर समझ लेते हैं तो। क्योंकि इसमें कोई बूट बटन नहीं होता, आप ये मान के लिए ना आपको प्लस माइनस दबाना है ना पावर बटन दबाना है, केवल सेट को ऑफ करके USB केबल लगाना है और आपका हैंडसेट फ्लैश होने लगेगा। देखिए कितनी आसानी से फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों CZI टीम आपको हमेशा अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करती है। दोस्तों हम लोग का चैनल जितने आप लोग जो उसको प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग बहुत अच्छे सारे वीडियो, समझ में आ सकने वाली वीडियो आपके सामने पेश करें, क्योंकि हम लोग दिखावा पसंद नहीं करते हैं, केवल काम पसंद करते हैं। CZI टीम का मोटो है ऑल इज़ पॉसिबल। तो देखिए ये टेक्नो KV2 मॉडल की फ्लैशिंग हो रही है, बड़ी ही इजीली हैंडसेट फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेक्नो के किसी भी मॉडल को बड़ी आसानी से फ्लैश कर सकेंगे। दोस्तों CZI टीम के साथ जुड़िए, उसके ऑनलाइन सपोर्ट लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, या लखनऊ आकर आप मोबाइल काम सीख सकते हैं। ये देखिए फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, ग्रीन कलर का आइकॉन हो गया है। अब